Hello everyone, welcome to Engineers Career Group. Myself Prasoon, and from last few years I'm teaching for ISRO, GATE, DRDO and other state and national level examinations. And aaj ke session mein baat karenge COA ka sabse important section, that is called as Amdahl's Law. Theek hai, to last ek session mein humne discuss kiya tha kuch like regarding what is the CPO performance. Theek hai, based on CPO performance we have one more thing that needs to be considered. Theek hai, तो बेसिकली ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, लाइक अगर सीपीयू में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस करते हैं, तो एम्डल्स लॉ क्या उसको कहता है लेके. ठीक है, एक प्रोसेसर में अगर हम कुछ एनहांसमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसका स्पीड अप हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे. ठीक है, कैसे हम उसको इवेल्युएट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये एम्डल्स लॉ के अंदर एक्सप्लेन करता है. ठीक है, सो सबसे पहला हम देखेंगे कि एम्डल्स लॉ कहता क्या है. ठीक है, तो वी कैन से एम्डल्स लॉ मींस व्हाट इट सेज. अगर हमारे पास कोई प्रोसेसर है, लेट्स से वी हैव सम प्रोसेसर, लेट्स से वी हैव सम प्रोसेसर, एंड इन दैट प्रोसेसर हम कह सकते हैं यहां पे एक प्रोसेसर है. लेट्स से दिस इज अ प्रोसेसर एंड दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटर. ओके, तो यहां पे अगर ये प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूट पे हम क्या कह सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस हमें चाहिए हो, है ना. तो सबसे पहली चीज क्या होती है, इसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना. ठीक है, वो ये प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, और वो कितना परफॉर्मेंस दे रहा है वो हमें चाहिए. ठीक है, अब सपोज करो दिस इज आवर ओल्ड प्रोसेसर. ओके, लेट्स से वी इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोसेसर, एक नया प्रोसेसर हम करते हैं, और ये जो न्यू प्रोसेसर होगा वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ होगा, कुछ नए चेंजेस के साथ होगा. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहें तो कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, जिसमें कुछ हम स्पीड अप फैक्टर डाल सकते हैं, स्पीड अप एनहेंसमेंट डाल सकते हैं अलग से, इंक्लूडिंग द सर्किटरी. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कुछ पार्ट ऑफ सेक्शन जो है वो पहले जैसा ही ऑपरेट कर रहा है और कुछ हमने उसमें एड अप कर दिया है. ठीक है, तो अगर हम देखें न्यू वाले स्केल में, तो न्यू वाले स्केल अगर हम कंसिडर करें तो मान लो हमने कुछ फैक्टर को इनहेंस किया है. लेट्स से दिस आई हैव डिवाइडेड दिस प्रोसेसर एंड वी हैव टेकन दिस एफ एज अ व्हाट फ्रैक्शन इनहेंस. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इनहेंस. तो हम ये कह सकते हैं इतना सेक्शन क्या है हमारा, अनएनहेंस्ड है. लेट्स से वी से दिस इज अनएनहेंस्ड इनहेंस, और ये अनएनहेंस कैसे हम कंपेयर करेंगे. तो अगर हमारे पास ओल्ड प्रोसेसर है तो वो सपोज करो वन इसका क्या है, पूरा क्या है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन है. कंप्लीट इसका क्या है, वन एज अ एग्जीक्यूशन है. ठीक है, तो ऑलवेज दिस सेक्शन विल बी वन माइनस एफ. ओके, वन माइनस एफ मीन्स व्हाट, इट इज द अनएनहेंस सेक्शन. ओके, सो डेफिनेटली द एनहेंस सेक्शन विल बी डिपेंड ऑन सम स्पीड अप एनहेंसमेंट. तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज द स्पीड अप, मीन्स कुछ चीजें उसमें स्केल नया एड हो गया है. ठीक है, सो वी कैन से स्केल, स्केल मींस व्हाट, द ओवरऑल स्पीड, हम स्पीड इसमें कितनी बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज गिवन बाय एफ, एफ टोटल एफ मींस व्हाट, कैन वी से दिस इज आवर एनहेंस सेक्शन. यस, सो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा लेट्स से हमारा कौन सा सेक्शन है, एनहेंस सेक्शन. अब हमें ये कहा जाए कि ये एनहेंस सेक्शन किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो इसका एनहेंस जो है वो किसी ना किसी स्केल पर डिपेंड करेगा. ठीक है, चाहे हम उसमें जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड प्रोसेसर कंपेयर किया और एक नया प्रोसेसर कंपेयर किया, दोनों में हमने देखा कि ओल्ड वाला जो ऑपरेट कर रहा है, और एफ हमने क्या लिया है, हमारा फ्रैक्शन एनहेंस, कितना हमने एनहेंस किया. तो वन माइनस एफ विल रिप्रेजेंट व्हाट, अनएनहेंस सेक्शन, एंड एफ रिप्रेजेंट व्हाट, हियर हियर एफ रिप्रेजेंट व्हाट, एनहेंस सेक्शन. ठीक है, अगर हम इसको देखें तो स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, वी स्पीड अप द एनहेंसमेंट, मतलब ये कितने स्केल से हम इसको बढ़ा रहे हैं, कितना एनहेंस कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट स्पीड अप. तो अगर हम इसको स्केल को देखें तो ये किस पे रिप्रेजेंट करेगा, सो ये किस पे रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड अप, स्पीड अप एनहेंस. ठीक है, स्पीड अप एनहेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो एम्डल्स लॉ कहता क्या है, कहता है इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द परफॉर्मेंस गेन, परफॉर्मेंस गेन, कितना परफॉर्मेंस गेन हुआ आफ्टर द पार्ट ऑफ सिस्टम, हम किसी पार्ट ऑफ सिस्टम को क्या थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाए, थोड़ा सा उसमें एड ऑन करें. ठीक है,
तो जब हम थोड़ा सा उसमें एड ऑन करेंगे तो कितना परफॉर्मेंस ओवरऑल निकल के आएगा, दैट इज व्हाट स्पीड अप ओवरऑल। तो एक्चुअली एम्डल्स लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है। तो वी कैन से अगर हमें स्पीड अप ओवरऑल निकालना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कह सकते हैं नया, जो नया हमने किया और साथ ही साथ पुराना वाला, दोनों को कंपेयर करेंगे। वी नीड टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज। ओके, सो व्हाट वी से द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विद एनहेंस, कैन वी से दिस, यस, विद एनहेंसमेंट, विद इज एनहेंसमेंट, और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विदाउट एनहेंसमेंट। ओके, सो वी कैन से विदाउट एनहेंसमेंट। ओके, सो नाउ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो हमने एक लास्ट वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें हमने परफॉर्मेंस को बताया कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस को देखेंगे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन टाइम। तो लेट्स से हमारे पास पहला नया वाला जो सिस्टम है, नया वाला जो प्रोसेसर है, उसका एक परफॉर्मेंस हमें देखना होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू सिस्टम विद एनहांसमेंट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द विदाउट एनहांसमेंट। तो व्हाट वी कैन से, परफॉर्मेंस इज ऑलवेज वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम। तो लेट्स से दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ न्यू, ओके, एंड सिमिलरली वन अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द ओल्ड। ओके, सो दिस वी कैन से व्हाट, दिस इज ओल्ड एंड नेक्स्ट वन इज न्यू। ठीक है, तो हम इसमें कैसे इवेल्युएट कर पाएंगे, वैल्यूज को हम कैसे इवेल्युएट कर पाएंगे, तो दिस इज ऑलवेज गिवन बाय सम स्केल फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे स्केल फैक्टर को हम क्या रख सकते हैं, तो वी कैन से सम स्केल इज एडिंग। ओके, अगर यहाँ पे कुछ स्केल एड हो रहा है तो वी कैन से दिस इज डिवाइडेड बाय सम स्केल। ओके, सो दिस एस मीन्स व्हाट, स्केल। ठीक है, तो ये क्या है, एनहांस सेक्शन है विद सम स्केल। ओके, सो व्हाट फॉर्मूला कम्स बिटवीन दिस, अगर हमें स्पीड अप ओवरऑल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो स्पीड ओवरऑल इज इक्वल्स टू वन, that is given by performance system with the enhancement. Okay, so we can give what, 1 divided by 1 minus f plus f by s. Okay, and how it came, agar hum execution time ko dekhen to hamara ye value niche chala jayega, ye value hamara upar chala jayega. Theek hai, so without wala term hamare paas kahan aa gaya, yahan aa gaya, aur with enhancement wala term kahan aa gaya, yahan aa gaya. Theek hai, so this is what, this is our enhanced section, this is our enhanced section, and this is our what, unenhanced section, unenhanced section. So is tarah se hum kya nikalte hain, speed up factor nikalte hain. So finally Amdahl's law hume kya kehta hai, Amdahl's law hume kehta hai ki in like how CPU overall speed up enhancement karke wo kitna kaise perform karta hai, to hum speed up factor kaise nikal sakte hain, by giving the enhancement एंड एज वेल एज द अनएनहांसमेंट, किस तरह से हम निकालते हैं इसको, तो ओवरऑल स्पीड अप जो हम निकाल रहे हैं दैट इज स्टेटेड बाय दिस व्हाट, ओवरऑल जो स्पीड अप हम निकाल रहे हैं, सो दैट इज गिवन बाय द एम्डल्स लॉ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ एम्डल्स लॉ इन द परफॉर्मेंस, सीपीयू परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन। ओके, सो बात करें इसके परफॉर्मेंस पे, तो अगर हम कहें कि हम प्रोसेसर में कुछ ना कुछ, मान लो अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम ये कहें कि हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्केल ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि अगर मान लो हम प्रोसेसर को बढ़ाते जा रहे हैं, लेट्स से वी इंक्रीज द प्रोसेसर, सो देयर इज अ केस कि अगर हम इंक्रीज करें, सो दिस इज अ नोट सेक्शन फॉर यू गाइस, यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रोसेसर को इंक्रीज करें, लेट्स से वी इंक्रीज द प्रोसेसर and processor will be increased 1000 times, अगर हम processor के 1000 time हम बढ़ा दें, तो can be guaranteed कि CPU का execution हमारा fast होगा, ठीक है, ये guarantee नहीं है, लेकिन कुछ time तक fast हो सकता है, लेकिन एक periodic time के बाद वो क्या होगा, constant perform करेगा, it will perform the constant, let's say I'll show you with a diagram, कि अगर हमारे पास यहाँ पे
लेट्स से वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसर, वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर, तो दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, ठीक है, सीपीयू है. तो वी कैन से इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, इट विल इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसर, ओके, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी कॉन्स्टेंट, ओके. सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा. तो कैन वी से दिस सेक्शन इज वॉट, दिस सेक्शन इज वॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज वॉट कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अगर हम नंबर ऑफ प्रोसेसर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है. तो कई बार वन मार्क क्वेश्चन भी इस पर रिप्रेजेंट निकल आते हैं कि हमारे पास अगर हम प्रोसेसर को एन नंबर ऑफ टाइम बढ़ाते हैं तो क्या उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा. तो एन नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज नहीं होगा, ऑलवेज इट विल बी लेस देन दैट, ओके. सो कुछ टाइम पीरियड तक वो इंक्रीज करेगा और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, इट विल मूव टू द कॉन्स्टेंट, ओके. सो दिस सेक्शन, दिस कंप्लीट सेक्शन, यहां से यहां तक ये जो सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस सेक्शन इज वॉट आवर टाइम, टाइम इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ओके. सो टाइम इन परफॉर्मेंस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोसेसर, ओके. सो दिस इज वॉट द एम्बल्स लॉ एक्सप्लेन, ठीक है. एम्बल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल स्पीडअप कितना निकल के आता है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो एस ओवरऑल स्पीड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो मेनी क्वेश्चन आर देयर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो आप इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ इजिली सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बल्स लॉ. सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. सो मेकिंग इट शॉर्ट, इफ एनीबडी preparing for GATE 2025, they can contact with us. The link will be description and jo bhi doubts hai, like flexible doubts will take and syllabus completion, weekly test and mock test. So we will clear every aspects of the syllabus which are important for the GATE point of view. Okay. So thank you so much for watching. I hope you like the session and we'll see you in the next session. Thank you. Thank you so much.